उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र में आज सुबह हिंडन नदी का एरिया गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवकों को रोकने का प्रयास किया तो युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी जबकि भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने सकुशल गिरफ्तार किया है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि आज प्रातः लगभग 6 बजे जनपद के थाना चरथावल की हिंडन चौकी के पास इलाका घने कोहरे के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के गांव के लोग भी मौके पर आ पहुंचे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के मुताबिक आज सुबह चौकी पर पुलिस संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी, उसी समय बाइक पर सवार 3 युवक पुलिस से बचकर भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें से एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग कर इन्हें घेरने का प्रयास किया जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जबकि 1 बदमाश को पुलिस ने सकुशल गिरफ्तार कर लिया। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरनगर। उसमें दो बदमाशों को जहां पर आप खड़े हुए हैं यहां पर मुठभेड़ में उनकी गोली लगी है, एक पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ है। अब तक के घटनाक्रम में पूरी हुई पूछताछ पर चीज सामने आई है कि जो 19 तारीख की दोपहर में लड़की अपने घर से चली थी गन्ना छीलने के लिए, रास्ते में इन 3 बदमाशों द्वारा जो कि शराब वहाँ पर पी रहे थे, इन लोगों ने लड़की देख करके पीछा किया और लड़की को गन्ने के खेत के पास में खींच करके ले गए। वहाँ पर पहचान के डर से दोनों की हत्या कर दी, उसके साथ रेप किया गया। एग्जामिनेशन में जब रेप की पुष्टि हुई उसके पश्चात से ये पूरी पुलिस टीम ने प्रयास करके इनको इनके बारे में जानकारी हुई जिसमें कि देर रात 1 की गिरफ्तारी हुई और ये 2 बदमाश पर जब भाग रहे थे उसी एक्सचेंज ऑफ फायर में उनको गोली लगी और उनके पास से लड़की द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल फोन, उसका शॉल जो मिसिंग था और जो घटना में प्रयुक्त हत्या में प्रयुक्त धराती थी उस सबको रिकॉर्ड किया गया है।